राजन बिचारे जी के ऊपर कुछ बोलने की बजाय मेरे बारे में बोल रहे, इससे दिखाई दे रहा है कि वो कितने बौखला गए। और वो इसलिए बौखला है और ये बातें इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आने वाले समय में चुनाव लड़ना है। इतने चालाक लोग हैं, बदमाश जो होता है वो चालाक होता है कि नहीं होता है? चीटर जो होता है सब में चालाक होता है कि नहीं? 420 आदमी जो रहता है सब में चालाक होता है, क्योंकि दुनिया को बेवकूफ कैसा बनाना वो ही उसके दिलो दिमाग में चलते रहता है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, जो नालायक होता है उसकी औलाद भी क्या होती है? नालायक होती है। तो दिल्ली का जो नालायक है उसकी औलाद मीरा भाईंदर में क्या है? तो वो जो तासुबात फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, वही हरकत मीरा भाईंदर का आमदार भाजपा का करता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने मेरी तुलना मोदी जी के साथ में की, जिसको हम नमन करते हैं, जिसके नाम से हम अपने आप को अभिमानी महसूस करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी नालायक कहा और मुझे भी कहा कि नालायक की औलाद नालायक होती है। मुजफ्फर हुसैन जी, आपको ऐसे शब्द शोभते नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को आप नालायक कहें। अपने कद को देखिए और उनके कद को आप देखिए। बोलते समय जरा सोच समझ के बोलिए, आपको शोभता नहीं है। हम आज तक आपको मुजफ्फर हुसैन जी कहते थे, अब ये लगता है कि शायद हम भी गलती कर रहे हैं। इन्होंने आवाज उठाई कि राहुल गांधी की इनकम कैसे बढ़ गई, तो मैं पूछना चाहता हूं, मीरा भाईंदर का जो एमएलए है वो 2007 में 2004 में कॉर्पोरेटर बना था, तभी 15 लाख रुपया उसकी बैलेंस शीट में था। बैलेंस शीट समझती है कि नहीं आपको? हाँ समझती है, नहीं समझती है? और आज 500 करोड़ रुपए हो गए, तो 10-12 साल में अगर किसी की औकात, मैं औकात कह रहा हूं, किसी की औकात 15 लाख से 500 करोड़ हो जाए तो आपको लगता है वो ईमानदार होगा? बात आप औकात की करते हैं, औकात तो जनता दिखाती है। मैं अगर गलत करूंगा तो मुझे औकात दिखाएगी कि मेरा वजूद क्या है। और पिछले 10 साल से लगातार आपको जनता औकात आपकी दिखाते आ रही है, फिर भी आप नहीं समझ रहे और वापस चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और कितनी बार जनता आपको अपनी औकात दिखाए आपको? इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। राजनीति में हो तो राजनीति की बातें करें। आरोप प्रति आरोप लगाने, आपने कहा कि 2007 के अंदर मेरे पास तो 15 लाख थे। आपको बता दूं, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं जब राजनीति में नहीं था, चुनाव में मेरा कोई लेन देन नहीं था। मैं सन 2000 में मेरा एक बहुत बड़ा क्लब हुआ करता था, जिसके अंदर उद्घाटन के रूप में उस समय आप भी मेहमान के तौर पे वहां पे उपस्थित थे। इस शहर का सबसे बड़ा शोरूम बॉम्बे मोटर मेरा हुआ करता था। मैं जब नगर सेवक नहीं था तब भी मेरे परिवार के पास एक मर्सिडीज गाड़ी हुआ करती थी। अगर आपको ये नहीं पता तो जरा पता कीजिएगा। और रात सवाल 15 लाख के कितने हुए, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, सुबह 7 बजे उठते, रात को 12 बजे तक काम करते, आज भी कीचड़ में घूमते, धूप में काम करते। आप जैसे नहीं कि 12 बजे उठने का, 2 बजे सोने का, फिर शाम को 6 बजे जाने का, 7 बजे सो जाने का, हम ऐसे काम नहीं करते। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। इस मीरा भाईंदर के कई सारे उद्योग, बड़े बड़े बिल्डर हैं जिन्होंने जमीन से शुरुआत की थी और आज मुझसे 10 गुना ऊपर है। ऐसे कई सारे इस शहर में उद्योगपति है, तो सारे के सारे क्या भ्रष्टाचारी है? हम मेहनत करने वाले लोग हैं। ये बात और है कि आप घमंडी हो, आपको मेहनत भी नहीं करनी है, पैसा भी चाहिए, राजनीति में वजूद भी चाहिए, लोगों का काम भी नहीं करना है। कभी मेरे घर पे आके देखिए, सुबह 8 बजे से हम लोगों को मिलते, रात को 1-1 बजे तक लोगों के काम करते, आप तो अपने नगर सेवक को मिलते नहीं। और अब हमारे दूसरे कॉर्पोरेटरों के पास भी यही जाले डाले जा रहे हैं, तो यहाँ का जो आमदार है वो यही हरकत कर रहा है कि आपके जेब के अंदर डाका डाल रहा है। और इसके लिए कहता है कि कांग्रेस के 2 लोग मैंने ले लिया है और बाकी के भी ले लूंगा। अरे नेता वो होता है जो सर्वसामान्य कार्यकर्ताओं में से नेता बनावे, नगर सेवक बनावे। आज जो 60, 62, 61 भी बीजेपी में कॉर्पोरेटर है, उसमें से 33-34 लोग जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नगर सेवक जो उतर गए। और शर्म आपको आनी चाहिए कि आपके 33-33 नगर सेवक आपको छोड़ के गए, तो आप में ऐसी क्या कमी है कि लोगों ने आपको छोड़ा और मेरा दामन स्वीकारा? क्या इसलिए स्वीकारा कि मैं भ्रष्टाचारी हूं? नहीं, उन्होंने इसलिए स्वीकारा क्योंकि आपके नेतृत्व के अंदर खोट है, आपके नेतृत्व के अंदर अहम है
और उन सब ने आपको छोड़ के आपको अपनी औकात दिखाई है। इसलिए जब एक उंगली दूसरों की तरफ से चार उंगली देख के करने का है कि हमारी औकात क्या है जो हम दूसरे की औकात पूछते हैं। रहा सवाल आपने कहा कि सारे ठेके मेरे हैं, सारे ठेके कौन लेते हैं? बीजेपी के नगर सेवक, मैं जाहिर रूप से बोल रहा हूं, बीजेपी का आमदार 25-30% कमीशन, हर चीज में कमीशन, शहर में चाहिए उधर हैकर्स चाहिए वो बिल्डर के लिए रास्ता वाटर गटर मीटर। अरे ठेके मेरे हैं तो कमीशन कौन देगा? आपने कहा कि 25% कमीशन देता है, तो नक्की कर लीजिए ठेकेदार में हूं कि कमीशन लेने वाला में हूं, ताकि आपके सवालों का जवाब दे दूं। अगर ठेका मेरा है तो कमीशन कोई नहीं देगा, और कमीशन लेता हूं तो ठेका मेरा नहीं है। ना मैं ठेकेदार हूं ना कमीशन एजेंट हूं, लेकिन किसी दिन अगर मैंने आपकी पोल खोल दी ना, ये तो मैं राजनीति में समाज सेवा करने आया, एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं। इस शहर की राजनीति के अंदर आप बता दीजिए मैंने आपके ऊपर एक भी व्यक्तिगत, मैं दिखा दूं कि आप जब उप महापौर थे तो क्या क्या कांड आपने किए, निकाल के दिखाऊं, चाहे वो ऑक्ट्राय का विषय हो। इस शहर में ऑक्ट्राय लाने का पाप अगर किसी ने किया है तो केवल आपने किया है। 3 दिन तक सभा बंद कराई और बाद में पैसे लेके ठेकेदार से आप ही ने शुरू किया है, ऐसे कई एक नहीं 100 उदाहरण है। रहा सवाल कचरे का ठेका, तो आपको बता दूं अभी तक वही ठेका चालू है जो आपने अपने काल में देखे गए थे। हमारी सत्ता तो 3.5 साल से, ये जो ठेकेदार कचरे का काम कर रहा है वो 6 साल पहले जो आपने नियुक्त किया था आज भी वही ठेकेदार है, तो आप ही का दिया वो ठेकेदार आज भी काम कर रहा है, हमने अभी तक कोई ठेकेदार किया नहीं है। और कचरे का टेंडर 40 करोड़ नहीं 400 करोड़ का है, आपको तो पता भी नहीं है, क्योंकि आपने तो खा पी के सो गए थे, आपने केवल भ्रष्टाचारी किया है। आप खुद कहते कि मेरे पिताजी आए थे नया नगर में सामान्य आदमी के, तो मैं आपको पूछता आज ये पजेरो गाड़ी, ये बंगला, ये वोकाड हॉस्पिटल, ये अस्मिता शॉपिंग सेंटर, ये अस्मिता मार्केट, ये सब पैसा कहां से आया, कहां कहां पे आप भ्रष्टाचार करके आए, ये बताइए जरा। अगर इन सवालों के जवाब नहीं है ना, तो किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाने चाहिए। अब हमारे दूसरे कॉरपोरेटरों के पास भी यही जाले डाले जा रहे हैं कि तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, उसको भी ऐसे ही कुछ कहा गया होगा या दिया होगा, तुमको भी 1 करोड़ दूंगा। हैदरी मस्जिद के लोगों को बुलाया जाता है, तुमको कब्रस्तान दूंगा, नया कब्रस्तान दूंगा, सुन्नी कब्रस्तान जिसकी देखरेख अभी भी हम कर रहे हैं, उसके लिए किसी को बुलाया जाता है, बोलता है ये सुन्नी कब्रस्तान के लिए टेंडर तुम भरो। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर अलग अलग फिरके, जैसा अपने में है इस्लाम में है, मुसलमानों में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में है, तो वहां से लोग क्रिश्चियनों को, दूसरी क्रिश्चियनों को बुलाया जाता है कि ये बरियल ग्राउंड का काम का तुम संभालो। रहा सवाल क्या कि आपके नगर सेवक को 1 करोड़, अरे 54 ही नहीं दो आपके नगर सेवक को, 1 करोड़ तो बहुत लंबा रहा, 54 में बिकते आपके नगर सेवक, जरा पता कीजिए, सपने में मत रहिए कि 1 करोड़ मिलेगा, कोई 54 भी नहीं देगा। और अगर 33 नगर सेवक आपके छोड़ के गए तो ये अपने आप को प्रायश्चित करने वाली बात है कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है, आपके पार्टी के अंदर ऐसी क्या कमी है कि सभी लोग आपका दामन छोड़ के भाजपा का दामन स्वीकार रहे। वो केवल एक बात है, इसलिए कि शहर प्रगति की ओर चल रहा है, देश प्रगति की ओर चल रहा है, इस शहर देश में कोई विकास कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, और ये हमने कर दिखाया है। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, राजनीति में अगर हम यहां तक पहुंचे तो जनता का काम करके, इस शहर का विकास करके, आपके घर के बाहर का भी सीमेंट रोड कोई बना रहा है तो वो मैं बना रहा हूं, आप नहीं बना रहे। इस शहर के अंदर हॉस्पिटल भी किसी ने बनाया तो हमने बनाया, ऐसे कई सारे उदाहरण है। किसी दिन मौका मिलेगा जब चुनाव में आओगे तो इसकी सारी बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि आज तो राजन बिचारे का चुनाव है, आप वहां नहीं बोल के यहां बोल रहे, इससे आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। तो दोबारा मेरे पे उंगली उठाने के पहले 1 बार नहीं 10 बार सोचिएगा, मैंने जिस दिन पत्ते खोल दिए ना उस दिन कपड़े भी नहीं बचेंगे, इस बात का जरा ख्याल रखिएगा। सोच समझ के बोलिए, हम मुजफ्फर हुसैन जी बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी औकात निकाले और मुझे लायक और नालायक बताएं, और देश सेवा और देश प्रेमी नालायक गिरी है तो मैं नालायक गिरी करने को भी तैयार हूं, लेकिन आपको यह सब कहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए अगली बार सोच समझ के बोलिएगा, तोल मोल के बोलिएगा, ये बातें आपसे शोभा नहीं देती है। धन्यवाद। करके आप लोगों के बीच में कोई भूमि पूजन आज तक नहीं किया, किसी का उद्घाटन नहीं किया, कोई पानी की लाइन का उद्घाटन हमने नहीं किया, कोई शमशान कब्रस्तान बरियल ग्राउंड कराया तो उसकी कोई होर्डिंग नहीं लगाई कि पानी शहर को लगाया लेकर आए तो उसकी होर्डिंग नहीं लगाई, मीरा रोड स्टेशन इतना सुंदर हमने बनाया तो उसकी होर्डिंग नहीं पिया, उसका नगारा हमने नहीं पीटा, पार्किंग की जगह अगर हमने बनाई तो उसके लिए हमने नहीं कहा, गार्डन प्लेग्राउंड जॉगर्स पार्क हमने बनाया तो उसके लिए हमने कभी नहीं बोला, क्योंकि हम काम में विश्वास रखते हैं, काम दिखता है, काम बोलता है। अगर हमने ये शहर का विकास नहीं किया होता तो आपने क्या हमको वोट दिया होता? तो ये
बोलना, झूठ फैलाना, वही काम मीरा भाईंदर में भी हुआ, वही काम मीरा भाईंदर के भी जो लोग प्रतिनिधि हैं भाजपा के, वही काम कर रहे हैं। मैंने अभी कल ही भाषण में कहीं कहा कि भाई इनकी 2007 के अंदर इतनी संपत्ति थी कुछ 10-15 लाख रुपए की, और आज 2019 में इनकी संपत्ति 500 करोड़ की हो गई। तो भाई साहब तिल मिला गए और बोलते मेरी औकात क्या दिखाते हैं, फिर मैं तुम्हारी दिखाऊंगा, दिखा देना भाई। तो इतना पैसा, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जब होता है तभी आदमी के पास इतने अफाट संपत्ति जमा होती है। हर चीज में भ्रष्टाचार, जब असेंबली का इलेक्शन लगेगा तो हर बात का जवाब उनको दिया जाए, पक्का दिया जाए।